राहुल गांधी जी मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों का दर्द बांटने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी से ये सहा नहीं गया। उन्होंने पुलिस के दम पर राहुल जी को रोक दिया। ये बीजेपी की आदत रही है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अपनी सत्ता का बल दिखाते हुए राहुल गांधी जी को पीड़ितों से मिलने से रोका है। इससे पहले भी वो कई मौकों पर राहुल गांधी जी को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और पीड़ितों से मिलने से रोकने की कोशिश कर चुके हैं। जून 2017 मंदसौर किसान आंदोलन। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पिपालिया मंडी में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली चला दी। घटना में 5 किसानों की मौत हो गई। भाजपा सरकार के इस दमन में पीड़ितों से जब राहुल गांधी जी मिलने जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया। अक्टूबर 2020 हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात। 19 वर्षीय दलित लड़की ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म के बाद दम तोड़ दिया। राहुल गांधी जी मृतका के परिजनों से मिलने के लिए उसके गांव जा रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। उनके साथ धक्का मुक्की कर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। अक्टूबर 2020 किसान आंदोलन हरियाणा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए राहुल गांधी जी एक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, लेकिन बीजेपी की कायर सरकार ने उनकी रैली को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा। लखीमपुर खीरी में केंद्र मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष ने अपनी कार से किसानों को कुचल दिया। जब राहुल जी पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें लखनऊ हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। जून 2023 मणिपुर हिंसा। चूराचंदपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राहुल गांधी लोगों से मिलने और उनसे सहानुभूति जताने गए, लेकिन डरपोक सरकार की पुलिस ने उनके काफिले को विष्णुपुर में बीच रास्ते में ही रोक दिया। इससे साफ है कि देश की तानाशाह सरकार राहुल जी से डरती है। मोदी जी, आपका डर साफ दिख रहा है। आप खुद तो लोगों का दर्द समझ नहीं रहे हैं, उनके बीच जा नहीं रहे हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगा नहीं रहे हैं, तो कम से कम राहुल जी को तो लगा लेने दीजिए।